सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दे दीजिएगा। हमारा नाम राहुल हुआ। अच्छा, ये कितने दिनों से सर कर रहे हैं आप? ये हम 15 साल से करीबन इसमें घुसे हुए हैं। 15 सालों से कर रहे हैं? 15 सालों से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो गया होगा। अच्छा, कौन कौन सा नस्ल आप किसानों को देते हैं? इसमें हम लोग 4-5 नस्ल लेके आते हैं जी, जो सुरोही का, बीटल का, अजमेरी, सोजत का। जी जी। और इसमें जो भी किसान अपना अपना नस्ल छांटता है वो अपना ले जाते हैं जी। अभी आप जेपी लाइन होटल के पास हैं सर, तो यहाँ के जो किसान हैं सो ले सकते हैं आपसे। हाँ, ठीक है, क्यों नहीं दे लेकिन सकते? जो बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, जो किसान बिहार के कोई और जगह से देख रहे हैं, पूर्णिया से देख रहे हैं, कटिहार से देख रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे मिलेगा आप किससे? उसमें अगर 1-2 पीस मंगा रहे तो पूरा गाड़ी तो नहीं ले जा पाएंगे जी। अगर 20-25 अगर वो बोल रहे हैं जी जी, तो हम होम डिलीवरी उनके घर तक कर देंगे। अच्छा, 20-25 जो लेने वाले होंगे उनको आप घर तक पहुंचा देंगे? घर तक पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं होता? नहीं, है नहीं, कोई चार्ज। अच्छा, आपके पास कौन कौन सा नस्ल इस वक्त अभी लेकर के आए हैं? अभी मेरे पास जैसे कि ये देखिए बच्चा, देख सकते हो आप, 4 महीने का बच्चा है सिरोही नस्ल का। 4 महीने का बच्चा है सिरोही नस्ल का, काफी लाजवाब। लगभग 5 फीट इसका लंबाई अभी इस वक्त है, ये है इसका, है ना? हाँ, 5 फीट लंबाई। और देख सकते हैं ये मेल है फीमेल है? मेल है। हाँ। अच्छा, फीमेल भी है आपके? हाँ, पास? हाँ, वो भी है। मतलब मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे? दोनों मिल जाएंगे। जिस भी तरीके का किसानों का डिमांड होगा उस तरीके का आप मुहैया करा देंगे? हाँ। अच्छा, क्यों नहीं? अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी कोई किसान को अगर 10 पीस सोजत ही चाहिए तो क्या 10 पीस सोजत मिल जाएगा आपके? हाँ, तुरंत मिल जाएगा। 10 मंगाए, 20 मंगाए, 25 मंगाए, जितना मंगाएगा उतना माल दे सकते हैं। अच्छा, क्या रेट में सेल करते हैं सर? 480 रुपए केजी। 480 रुपए केजी आपका रेट है जी। अच्छा, तो बिहार के कोने से होंगे ले सकते हैं? कहीं भी मंगाओ। और कहाँ कहाँ आप देते हैं? यहाँ पर अभी लगा हुआ है, जैसे कि अगर पटना दानापुर का फोन आ गया तो हम लोग वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, दानापुर भी जाएंगे आप? उधर भी जाते हैं हम लोग। ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो फार्म बना हुआ है झारखंड पे, जी जी, बबलू गोट फार्म धनबाद से। अच्छा, ऐसे अगर नाम से निकाल रहे हो तो उसका फार्म का पूरा पर्ची भी आ जाएगा उसमें। अच्छा, हाँ, धनबाद में इसको लेकर के फिर अपना फार्म पे लेके चले जाएंगे? हाँ, उसी में अपना फार्म पे सप्लाई करते रास्ते में जितने किसान है सारे को आप देते जाएंगे? आप से बहुत देते जाएंगे। 480 रुपए के रेट में आप सेल करते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, अभी आपके पास जो बकरियों के बच्चे हैं सर कितने वजन के हैं? मेरे पास अभी है 13 किलो से लेके है 22-23 किलो तक का। 13 केजी से लेकर के 22-23 केजी का। बहुत सारे किसानों का डिमांड होता है सर कि हम कम वजन के लेना चाहते हैं। बहुत सारे किसानों का डिमांड होता है ज्यादा वजन का लेना चाहते हैं, तो सर दोनों मिल जाएगा आपके पास? दोनों मिल जाता है हमारे पास, दोनों मिल जाएगा आपके पास। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर कि जमुनापारी, तोतापारी, इन जैसे नस्लों का लेना चाहते हैं, तो उनको मिल जाएगा क्या? वो वाला माल भी दे सकते हैं हम, जमुनापारी, तोतापारी, गुलाबी, ये भी दे सकते हैं, लेकिन उनका रेट अगल होता है। अच्छा, उनका रेट क्या होता है? तोतापारी और जमुनापारी का होता है 700 रुपए केजी। 700 रुपए केजी? हाँ। अच्छा, हाँ। और जो गुलाबी वो तो बड़ा महंगा मिलता है, तो किसान कमी नहीं मंगाते हैं, जो शौकिया हो गया वो मंगा लिया, लेकिन तोतापारी हम बेचे हैं 700 रुपए केजी तक। 700 रुपए केजी तक बेचे? हाँ, बेचे। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हम 10 पीस बकरियां लेना चाहते हैं, 10 पीस फीमेल लेना चाहते हैं, 10 पीस मेल लेना चाहते हैं, तो क्या कुर्बानी के पर्पज से बहुत सारे किसान लेते हैं सर, खरीदारी करते हैं, तो उनको सर क्या हिसाब किताब होता है? क्या 10 पीस अगर लेंगे कोई तो क्या उनको आप घर तक पहुंचा देंगे या फिर आपके यहाँ लेकर सकते हैं? नहीं, जो हम बता रहे हैं आपको कि मान लो हम लोग अपना गाड़ी भेजेंगे जी, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, रेट हमारा रहेगा 480 रुपए, वो आपको देना पड़ेगा, गाड़ी हमारा तो आपका छोड़ने चला जाएगा। 10 पीस में भी चला जाएगा? मतलब 10 पीस पहुंचे 20-25 किलोमीटर दूरी पे है तो पहुंचा देंगे। हाँ जी, जी। अच्छा, कोई टोकन मनी एडवांस कुछ भी नहीं? मतलब विदाउट किसी एडवांस का आप उनके घर तक पहुंचा देंगे, उनके फॉर्म तक पहुंचा देंगे? हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत सारे किसानों का सवाल होता है सर कि हम बकरियां तो लेकर के पालिए, लेकिन कई तरीके का परेशानी होता है, कई तरीके का कठिनाई होता है, क्या खिलाए पिलाए, कैसे मैनेजमेंट करें, इसके बारे में जानकारी उनको नहीं हो पाता है, तो उनको कैसे सर आप बताएंगे? वो तो दिए हुए स्क्रीन के नंबर आता है, उसमें आप अगर जिसकी जानकारी नहीं उसके नंबर मिला के हमसे जानकारी लीजिए, हम पूरा बताएंगे आपको जी। हाँ, पूरी जानकारी उनको देंगे? पूरी जानकारी देंगे, ये नहीं कि माल दे दिया उसके बाद काम खत्म, नहीं है, जानकारी लीजिए, जिस चीज की जानकारी नहीं है तो। हाँ, अभी तो सर आपके पास कितने बच्चे हैं अभी? अभी मेरे पास 100 पीस है। 100 पीस है? 100 पीस है, तो अभी राजस्थान का ये नस्ल है सब टोटल? तो राजस्थान का नस्ल है, तो जाहिर सी बात है कि अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में अगर इसको रखना चाहे जो किसान, तो थोड़ी कठिनाई होगी स्टार्टिंग में क्या जी? तो उनको सर किस तरीके से खान पान का जो मैनेजमेंट है ये थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, वो भी होती है, अगर किसान मेरे पास लेने आता है तो हम लोग ऐसा बता देते हैं कि यहाँ से ले जाइए आप, थोड़ा गुना पानी पिलाइए, उसके बाद में माड़ भात जो देते हो आप देसी बकरियों को, जी जी, इनको नहीं देना है, पाला पत्ता जितना मिल जाए वो खाने दीजिए, जो चोकर वोकर ये कुट्टी उट्टी आप लोग खिलाते हो इसको थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन उसको भी पकड़ लेगा जब जाके आगे चल के, वो भी पकड़ने लगता है, और पाला पत्ता ये कि उतना भी काले खिलाओ सब खा जाएगा।
राजस्थान में तो सर हरी पत्ती फेमस है। हाँ, वहाँ का हरी पत्ती बहुत ज्यादा चाव से खाती है बकरियाँ। हाँ, लेकिन अपने यहाँ तो सर बरसीम नेपियर इन जैसे घास का इस्तेमाल करते हैं लोग। वो भी कुट्टी के साथ मिला खिलाओ ना, वो भी खाएगा। नहीं तो अपना बर का पत्ता हुआ, कटहल का हुआ, पीपल का हुआ, नीम का हुआ, आम का हुआ, ये भी पत्ता सब खाते हैं। एक साल में इसका बॉडी वेट कितना जाएगा? एक साल में अगर बढ़िया से आप खाना पीना खिला रहे हो तो 50 केजी भाग जाएगा। 50 केजी एक साल में चला जाएगा? हाँ, हाँ, इजीली। हाँ, अच्छा, एक साल में 50 केजी चला जाएगा। तो कम से कम अगर कोई किसान 10 पीस से पालन करे हाँ, हाँ, तो कितना साल का कमाई कर सकता है? वो 1.5 साल में अपना पैसा भी निकाल लेगा और उसको ज्यादा फायदा भी होगा। लगभग अगर 10 पीस पालते हैं तो 2 लाख रुपए का कमाई होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। एक साल में हाँ। एक साल में अगर मेहनत और लगन के साथ काम करे, अगर मेल 10 ले तो क्या 2 लाख रुपए इनकम नहीं होगा? काहे नहीं होगा जी, होगा, इजली हो जाएगा जी, जी। क्योंकि उनको देखिए देखभाल करने से ही होगा, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया बस खत्म कहानी। उसके अच्छा। लिए थोड़ा आपको हर चीज डंडरा भी आता है, गेहूं का, मक्का का, जौ का, इसको भी हल्का हल्का खिलाओगे तभी खस्सी अच्छा बनता है। हाँ, अब अभी हमारे पास मिनरल मिक्सचर में क्या क्या दे सकते हैं? आप जो अभी बताए कि दर्रा वगैरह देते हैं, तो मिनरल मिक्सचर में क्या क्या देना जरूरी है खासतौर पर किसानों को? गेहूं का दर्रा जो होता है ना पिसा हुआ जी, वो अगर खिला रहे हो शाम को, दिन भर तो कुछ भी खा रहा है, अगर शाम को हल्का डाल दिया आपने 100 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए जो किसान से हम लोग लेके आए हैं, 4 महीने का बच्चा है, अभी इसका वजन है 25 किलो। 4 महीने का बच्चा है? 4 महीने का, और इसका वजन 25 केजी। 25 केजी है अभी, 25 केजी है। और सोच सकते हैं कि 4 महीने का बच्चा है, 25 केजी वजन है, तो जाहिर सी बात है अगर 8 महीने इसको पालेंगे तो कम से कम इसका 60 से 70 केजी इजली चला जाएगा आराम से। क्या? हाँ, जो हमने बताया खान पीन दर्रा ये भी ये दोगे तभी बनेगा। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बकरियां दिखाएंगे और एक एक करके पहचान कराएंगे, मेल फीमेल दोनों दिखाएंगे सर। अच्छा अच्छा जी, ये वाले आप देख सकते हो दोनों जी, मेल और फीमेल दोनों है, ये सोजत नस्ल में आएंगे। ये सोजत के हैं? हाँ, ये 2.5-3 महीने के बच्चे हैं अभी। 3 महीने के बच्चे हैं? 3 महीने के सोजत का। हाँ, काफी लाजवाब सर। और इसका बॉडी वेट कितना होगा अभी? अभी इसका वजन है एक एक का करीबन 16 किलो या 17 केजी। 16 केजी 17 केजी इसका वजन होगा अभी, 16 से 17 केजी होगा जी। इसका प्राइस की बात करें तो कितना होगा सर? ये तो मान लो 60 किलो 70 किलो भी भागता है। अभी जो मेरे पास 4-5 नस्ल है, सुरोही का, बीटल का, अजमेरी, सोजत, गुजरी जी, इनका हमने रेट बताया सबका 480 रुपए केजी। 480 रुपए केजी, हाँ, ये सब नस्ल मिल जाएगा। और जो अच्छा। तोता परी ये बता रहे हो जमुना परी का जी, इसका रेट अगर ले लीजिए मतलब करीब करीब 7,000 से 8,000 रुपए उनका पड़ेंगे। एक का 7,000-8,000 पड़ जाएगा। 7,000-8,000 रुपए में हो जाएंगे इजिली। अगर 10 पीस लेना चाहेंगे तो 60 से 70 हजार रुपए लगाएंगे तो आराम से वो पालन कर सकते हैं और 2 लाख रुपए सालाना इजली कमा सकते हैं आराम से। अच्छा। सालाना सही है, ठीक है। सोजत अभी दिखाएं और दूसरा नस्ल दिखाएं जो आपको बताया, सुरोही का देख सकते हो जी, ये मेल है सुरोही का। सिरोही का मेल है? हाँ, ये भी काफी लाजवाब है सर। हाँ, ये 4 महीने का है। 4 महीने का है? हाँ। अच्छा, इसका भी हाइट लगभग 5 फीट प्लस होगा? अभी मेरी फुट की 4-6 फुट है, अभी मेरा 1 ही फुट काफी नीचे होगा। हाँ, नहीं तो वो हमको भी पार कर देगा अगर 3-3.5 महीना कोई पाल। 5 फीट इसका हाइट हो जाएगा अभी। हाँ, और भी दिखाएंगे सर, इसके बारे में बताएं सर। इसको हम लोग बीटल बताते हैं। बीटल? हाँ। अच्छा, अभी ये है 3.5 महीने का। साढ़े 3 महीने का बीटल है? बीटल है। इसका भी बॉडी वेट लगभग 17-18 केजी होगा आराम से। हाँ, 17-18 केजी होगा। मेल है ये? हाँ। अच्छा, ये कितने दिनों के हैं सर? ये भी? हाँ, रेट कितने दिनों के हैं? ये भी ऐसी 3.5 महीने का है। 3.5 महीने के बच्चे बस। अच्छा, इसका भी वेट सेम ही जाएगा 60 से 70 केजी? हाँ, जो मेरे पास जो 4-5 आपको नस्ल बताए हैं जी, इनका वेट वही जाता है 60-70 किलो। 60-70 केजी। बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है जमुना परी, तोता परी, इस जैसे नस्ल क्या लेकर के आप नहीं आते हैं? नहीं तो ऑर्डर अगर आप दे रहे हो तो ऑर्डर के आने पर हम ला भी सकते हैं, लेकिन हमारा उसका रेट अगर रहेगा अलग रहता है। हाँ, क्या रेट में मिलता है सर? बेचते तो उसको हम 700 रुपए के लिए, अगर 10 पीस अगर 15 पीस मांग रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा ना गुंजाइश कर देंगे जी। 10 पीस 15 पीस लेंगे उनको कुछ नेगोशिएबल हो सकता है। हाँ, गुंजाइश, कुछ रेट कम हो सकता है। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डिमांड होता है सर, किसानों का डिमांड होता है कि प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, है ना, जो फार्म का शुरुआत करना चाहते हैं उनको प्रेग्नेंट बकरियां की जरूरत होती है, तो क्या प्रेग्नेंट बकरियां भी मिल जाएगी आपके पास? वो भी मिल जाएंगी। अभी आप लेकर के आए हैं? अभी तो नहीं लेके आए, लेकिन ये चीज जो लाते हैं हम, इसका तोता परी का, जमुना परी का और ये ब्रीडर बकरी जी, इनका हम ऑर्डर पे ही लाते हैं क्योंकि बकरी भारी होती है, 24,000, 23,000, 20,000 की बकरी होती है। हमारा गाड़ी छोटा है तो उसमें हम लोग बड़ा देख सुन के उसको ले लाके आना पड़ता है। बहुत कुर्बानी के पर्पज से अगर 10 पीस मेल ही लेना चाहेंगे तो अब भी बन जाएगा? तभी मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, 1 पीस 2 पीस वाले जो किसान होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो जहाँ पर हम लोग अपना अड्डा बनाए हुए हैं उनको वहाँ पर बुला लेते हैं, अपना ले जाते हैं। ठीक है।
उनको आप अपनी जगह पे बुला लेते हैं जहाँ पे आप रुके हुए रहते हैं। जी जी, ठीक है। और कुछ किसानों को सलाह देना चाहेंगे आप? वो तो दिए हुए नंबर पे अगर भूल जाए ना, संपर्क करें उनको, हम बताते ही रहेंगे, बताते रहेंगे जी। आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, किसी तरीके का परेशानी होता है, किसी तरीके का कठिनाई होता है, आप उनको बेहिचक दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप उनको पूरी तरीके से जानकारी देते रहेंगे, पूरी जानकारी देते रहेंगे जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी, धन्यवाद आपको सर। नमस्कार।